हाय, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल। ये है एंड्रॉइड वर्ल्ड की एलईडी चिप जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी। उसका ब्राइटनेस भी अच्छा था, पर फिलहाल ये अब खराब हो चुकी है। और ये है दूसरी 250 वर्ल्ड की प्योर वाइट एलईडी चिप। ये भी मैं अपने प्रोजेक्टर में यूज़ कर चुका हूँ, फिलहाल ये भी अब ख़राब हो चुकी है। और ये है दूसरी ड्राइवरलेस 50-50 वोल्ट की दो एलईडी चिप। ये फिलहाल मैं अपने प्रोजेक्टर में यूज़ कर रहा था, पर फिलहाल इसका ब्राइटनेस अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ये सोचा। तो फिलहाल ये तीन एलईडी चिप मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्टर। ये एलईडी चिप मैंने मंगवाए है vkai.com से, क्योंकि अली एक्सप्रेस अब हम मंगा नहीं सकते, अली एक्सप्रेस इंडिया में बैन है। तो मैंने बहुत ढूंढा इंडिया में, बाद में मुझे ये vkai.com पे ये लाइट मिल रही थी पर 50 वोल्ट की। तो मैंने सोचा कि एक के साथ तीन लाइट लगा के देखते हैं कैसा काम करता है। तो मैंने ये vkai.com से मंगवा लिया और मैंने अपने प्रोजेक्टर में उसे लगा के देखा, एक के साथ तीन लाइट। तो मुझे इन लाइट का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिला, जो मैंने 250 वोल्ट की जो कि वाइट एलईडी चिप लगवाई थी, शायद उनसे भी ये ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही बड़े इमेज क्वालिटी है। ये वाइट एलईडी चिप है, अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो, पर आप एक एलईडी चिप लगाएंगे तो उसका रिजल्ट, उसका ब्राइटनेस कम हो। आप अगर एक के साथ ये तीन एलईडी चिप लगाते हो तो उसका ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। आप भी दो या तीन एलईडी चिप एक साथ अगर प्रोजेक्टर में लगाना चाहते हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस मिलेगा। ये है वाइट वॉल पर इमेज प्रोजेक्ट, देख सकते हो बहुत ही ब्राइट है। अगर आपके पास एक रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है तो आप देख रहे हो उनसे भी ज़्यादा आपको इमेज ब्राइट दिखेगा।